हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि हमें नाश्ता किस तरह और कैसे बनाना चाहिए जो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। फ्रेंड्स, जो नाश्ता मैं आज आपको बनाकर दिखा रही हूँ, इसे आप अगर एक बार बनाओगे तो आपकी फैमिली में हर मेंबर इसे बार बार मांगेगा। हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा नाश्ता बनाकर दिखा रही हूँ जो बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा बनता है। और फ्रेंड्स, कमाल की बात तो यह है कि घर के ही इंग्रेडिएंट से बन जाता है। इसके लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। उसके लिए हमने लिया हुआ है एक खाली बाउल। तो फ्रेंड्स, बाउल में हम डालेंगे हाफ कटोरी मैदा, हाफ कटोरी आटा। फ्रेंड्स, आपको आटा हाफ कटोरी ही लेना है और स्वाद अनुसार नमक, और इसे आपको आटे की तरह गूंथ लेना है। जिस तरह का हम आटा तैयार करते हैं उसी प्रकार आपको गूंथ लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसके अंदर नमक अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑयल जो कि हमारे नाश्ते को क्रिस्पी बनाएगा। ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं या फिर ओलिव ऑयल भी ले सकते हैं, या इसमें आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसमें मोइन को अच्छे से मिला लिया है। आपको इसमें ज़्यादा मोइन बिल्कुल नहीं मिलाना है, आपको इतना ही मिलाना है जितना कि मैंने आपको दिखाया है। और फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमें इसे आटे की तरह तैयार करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमें इसे आटे की तरह गूंथना है। फ्रेंड्स, आपको डो नॉर्मली लगाना है, जैसा कि हम रोटियों के लिए लगाते हैं उसी प्रकार का हमें ये डो बनाकर तैयार करना है। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ, आपको एकदम से ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो आपका डो पतला हो जाएगा। आप अपने डो को अच्छे से गूंथ लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा डो तैयार हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा गूंथकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देती हूँ। तब तक मैं अपने गैस पर एक पैन रख लेती हूँ और पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। इसमें हमें अपने प्याज पकाने हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसमें 1 स्पून ऑयल डाल दिया है और इसे अब धीरे धीरे पकने दूंगी। तब तक फ्रेंड्स, मैंने ये 3 आलू लिए हुए हैं, मीडियम साइज के हैं, आप देख सकते हैं। इस प्रकार हमें 2 से 3 आलू ले लेने हैं और इन्हें अच्छे से क्रश कर लेना है। फ्रेंड्स, आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि जो आलू आप इसमें यूज़ करेंगे वो ठंडा कर लेंगे, वो गर्म बिल्कुल नहीं लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने आलुओं को क्रश कर लेती हूँ, और क्रश मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि इसमें बीच बीच में गुठलियाँ ना आए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने 3 आलुओं को क्रश कर लिया अच्छे से। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे ऑयल में भी धुआं उठने लगा है, इसका मतलब हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ऑयल में मैं डालूंगी अपने मोटे कटे हुए प्याज, आप देख सकते हो। और अपने प्याज को हमने हल्का ब्राउन हल्का कर लेना है, क्योंकि प्याज हम अपने आलू के पेस्ट में डालेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डाल लेते हैं स्वाद अनुसार नमक। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लिया है। और तीखा बनाने के लिए आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर चिली फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें चिली फ्लेक्स का यूज़ किया हुआ है, इसलिए मैं डालूंगी इसमें 1 स्पून चिली फ्लेक्स। फ्रेंड्स, इसे आप मीडियम में डालें क्योंकि ये काफ़ी तीखी होती है, आप इसका ज़्यादा यूज़ बिल्कुल ना करें। और फ्रेंड्स, मसालों में मैंने लिया हुआ है 1/2 टीस्पून गर्म मसाला, चाट मसाला 1/2 टीस्पून इसमें चाट मसाला डाल दिया है। और अब सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसमें बहुत ही कम मसालों का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि ये आपकी रसोई में नॉर्मल मिल जाएंगे। और बहुत ही सिंपल तरीके से ये नाश्ता बनाकर दिखा रही हूँ। कमाल की बात तो यह है फ्रेंड्स कि इसमें हमें ज़्यादा कुछ चीज़ों की आवश्यकता भी नहीं होगी, और ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, ये आपको रसोई में ही अवेलेबल मिल जाएगा। आपको इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं बताऊंगी या इसमें डालूंगी वो आपकी रसोई में नॉर्मली मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे प्याज हल्के ब्राउन कलर के हो चुके हैं, अभी मैं इन्हें थोड़ा सा और पकाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे ऑनियंस ब्राउन कलर के हो चुके हैं। अब मैं अपने गैस को बंद कर लूँगी और इसमें से
अपने ऑनियंस को निकाल लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने ऑनियंस को अपने एक स्पून में ले लिया है और वहीं ऑनियंस मैं अपने जो मैंने आलू का मिक्सर बनाया है उसी के अंदर डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने अपने मिक्सचर के अंदर ऑनियंस डाल लिए हैं और अब मैं इसमें डालूँगी स्वाद अनुसार धनिया और अब इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इसका भी हमें अच्छा सा मिक्सचर बना लेना है, आप देख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने इसका अच्छा मिक्सचर बना लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 10 से 15 मिनट तक अपने आटे को रख लिया था और मैं अपने पत्थर पर ही इसे बेल कर दिखाऊंगी आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस प्रकार अपने डो को तैयार कर लिया है और अब मैं इसमें से छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी क्योंकि हमें इसकी छोटी छोटी बिट्स तैयार कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस प्रकार इसे तैयार कर लिया है और अपने बाउल के अंदर इसे डाल लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे इसके अंदर डाल लिया है और एक एक उठाकर मैं इसकी पतली पतलियाँ रोटी की जैसे इसे बेल लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे धीरे धीरे आपको बेल कर दिखाऊँगी। आपको इसे ना तो ज़्यादा बड़ा बेलना है और ना ही ज़्यादा छोटा, मैं इसे मीडियम आकार में बेलूँगी। और आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि इसे आपको ना तो ज़्यादा पतला बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटा। मैं अभी आपको इसकी कंडीशन दिखा दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, आप देख सकते हैं इसकी परत आपको बिल्कुल ऐसे ही कर लेनी है। और अब मैं इसे यहीं पर रख दूँगी और दूसरा भी इसी प्रकार बेल लूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको 3 से 4 ऐसे ही रोटियों की तरह बेल कर इन्हें रख लेना है। इसे भी हमें इसी प्रकार गोल बना लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अब हमने एक तवा रख लिया है अपनी गैस पर और इसे एक एक करके हमें इन्हें सेक लेंगे। अब फ्रेंड्स, आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको इसे अच्छे से पकाना बिल्कुल नहीं है, आपको इसे थोड़ा थोड़ा पकाना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही आप इसे धीरे धीरे पका लेंगे। एक एक करके हम चारों रोटियों को इसी तरह पका लेंगे धीरे धीरे। बस आपको इसी कंडीशन में इसे उतार देना है। आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे से इस प्रकार यह थोड़ी थोड़ी पक जाए तब आप इसे अपने गैस से उतार देंगे। धीरे धीरे करके सभी रोटियों को इसी प्रकार पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दूसरी रोटी भी मैंने इसी प्रकार पका ली है। धीरे धीरे करके हम सभी रोटियों को इसी तरह पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी रोटियों को हम एक एक करके इसी प्रकार सेक लेंगे। आपको इन्हें ज़्यादा बिल्कुल नहीं सेकना है, जिस प्रकार मैंने आपको बताया है इसी प्रकार आपको थोड़ा थोड़ा इसे सेक कर तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने ये रोटी इसी प्रकार सेक ली थी। अब हम इस पर थोड़ा सा सॉस लगाएंगे या फिर आप इस पर शेजवान चटनी भी लगा सकते हैं। मैं इस पर शेजवान चटनी लगा रही हूँ, आप इसमें सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे मैं चारों तरफ इसे अच्छे से फैला लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी शेजवान चटनी इसके चारों तरफ फैला ली है और जो मैंने आलू का और अपना प्याज का मिक्सचर था बनाया था वो मैं 1 स्पून इसी के ऊपर रख लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से हाफ रोटी पर रख लिया है और इसी के ऊपर मैं डालूँगी मोजरेला चीज़, या फिर आपके पास प्रोसेस चीज़ हो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर मोजरेला चीज़ डाल दी है। तो देखिए, और अब मैं इसे ऊपर से बंद कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं इसे आपको इसी प्रकार तैयार कर लेना है। एक एक करके सभी नाश्तों को हम इसी प्रकार तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने दूसरी भी रोटी इसी प्रकार ले ली है और इसके ऊपर भी मैं इसी तरह चटनी लगाऊंगी। तो देखिए, मैंने एक एक करके सभी नाश्तों को तैयार कर लिया है, आप देख सकते हो। अब मैं अपनी गैस पर रखूँगी पैन और धीरे धीरे इन्हें सेक लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पैन में ही थोड़ा सा ऑयल है और इसी ऑयल के अंदर मैं अपने नाश्ते रख दूँगी ताकि ये अच्छे से सिक जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा नाश्ता सिककर तैयार हो चुका है। अब मैं इन्हें थोड़ा सा टेढ़ा करके सेक लूँगी ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएँ। इस पर हल्का सा ऑयल लगा दूँगी और इसे अच्छे से दोनों तरफ से सेक लूँगी। आपको इस प्रकार इसे खड़ा करके भी सेक लेना है क्योंकि ये अच्छे से सिककर तैयार हो जाएगा फिर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपकी चीज़ निकल कर किस प्रकार कितनी अच्छी दिख रही है।
इसे भी मैं धीरे धीरे इसी प्रकार खड़ा करके थोड़ा चारों तरफ से अच्छे से सेक लूंगी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ से ये सिककर तैयार हो चुका है, ये चारों तरफ से बड़े अच्छे तरीके से सिक चुका है, आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स एक एक करके मैं सभी अपने नाश्तों को तैयार कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा नाश्ता कितना बढ़िया और कितना अच्छा बना हुआ है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ और इसमें से चीज़ तो ऐसे बाहर निकल के आई हुई है, बहुत ही यम्मी और बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो देखिए इस प्रकार आप भी अपने घर पे ही ऐसा क्रिस्पी और बढ़िया नाश्ता बनाइएगा और अपने बच्चों को खिलाइएगा, वो आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो अगली एक ऐसी ही न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।